यहाँ पे उपस्थित जो मधुबनी जिले के मेरे सभी साथी प्रेस एवं मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे रखी है जिला प्रशासन की ओर से, इसका मूल मकसद है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जल जीवन हरियाली, नशा मुक्त बिहार, बाल विवाह एवं दहेज की जो प्रथा है उसके उन्मूलन के लिए जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ऐतिहासिक मानव श्रृंखला कल 19 तारीख को जो है 11:30 से 12 बजे जो है मधुबनी में, साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी जो आयोजित की जा रही है, उसकी क्या तैयारी है और कैसे हम इसको कंडक्ट करने जा रहे हैं, इस संदर्भ में आपको जानकारी देना है। साथ ही में आपके जो फीडबैक है वो इनपुट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे बेहतर तरीके से हम इसका आयोजन कर सकते हैं, ये भी हमको जानना है। सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि कुल जो है 810 किलोमीटर का हमारा रूट है, उसमें मुख्य मार्ग 121 किलोमीटर, उपमार्ग 479 किलोमीटर, उसके अलावा 210 किलोमीटर का लूप है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो 1 से 4 कक्षा के छात्र है उनको बाहर रोड पे तो नहीं आना है, परंतु तो अपने स्कूल में भी वो जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा रह सकता है, तो इस संदर्भ में भी डायरेक्शन आ गया है। और 3000 करीब वार्ड सदस्यों के द्वारा भी मानव श्रृंखला में भाग लेने का अपील किया गया है। तो कुल ये मानव श्रृंखला मधुबनी जिले में 1290 किलोमीटर के करीब जो है बनाने का लक्ष्य लगा है, और इसमें जो आबादी एंगेज होगी वो 810 किलोमीटर में जहाँ पे लोग हमारे खड़े रहेंगे, रूट मेन रूट, रूट उपमार्ग और लूप से 18,20,000, और छोटे बच्चों को भी अगर मिलाते हैं और वार्ड सदस्यों को भी और वार्ड में जो मानव श्रृंखला बन रही है उसको मिलाते हैं तो 24,80,000 के करीब। जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है इसका प्लानिंग कैसे किया गया है इसकी भी छोटी सी संक्षिप्त में जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हर किलोमीटर को 10 डिविजन्स में बांटा गया है, जिसको 4 दल नायकों के द्वारा जो है हेड किया जाता है। वो दल नायक 4 विभागों के मेनली हमने एंगेज किया है। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग है, दूसरा विभाग जीविका विभाग है, तीसरा है स्वास्थ्य विभाग है, और चौथा है आंगनवाड़ी का विभाग। उसके बाद 1 किलोमीटर पे सेक्टर इंचार्ज हमारे रहते हैं, तो सेक्टर इंचार्ज जनरली उस पंचायत के जो हमारे कृषि सहायक है, पंचायत रोजगार सेवक है, इंदिरा आवास सहायक है या विकास मित्र है, इनको लगाया गया है। इसके बाद 5 किलोमीटर में एक जोन हमारा बनता है जिसमें 5 सेक्टर्स आते हैं, तो जोनल इंचार्ज जो है ब्लॉक लेवल के जो है हमारे पदाधिकारी होते हैं लाइन एजेंसीज के, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि आवास सुपरवाइजर होता है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर्स है हमारे, एग्रीकल्चर के बीडीएम वगैरह है, इसके अलावा ब्लॉक स्टेटिस्टिकल ऑफिसर वगैरह है, ये लोग जो है पदाधिकारी लोग, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है, इनको हमने जोनल में रखा है। 10 किलोमीटर पे जो है हमारा एक सुपर जोन बनता है या रूट इंचार्ज आता है वहां पे, तो उसमें भी ब्लॉक लेवल के जो है वरीय पदाधिकारी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं। ओवरऑल ब्लॉक में जो है बीडीओ इसके नोडल ऑफिसर है, और बीडीओ के साथ समन्वय करने के लिए सर्कल ऑफिसर, अंचलाधिकारी, उसके अलावा थानाध्यक्ष, उसके अलावा सभी विभागों के पदाधिकारी, डीआरपी, केआरपी, तो ये लोग सब रह रहे हैं। थानाध्यक्ष भी उनके साथ है, और सेक्टर तक डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस प्रशासन की भी हुई है वहां पे।